ब्राह्मण समाज और बागेश्वर धाम का शिष्य मंडल ने कोतवाली में पहुंचकर समाज और बागेश्वर धाम को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायती पत्र दिया है। जैसा कि सभी जानते हैं, बागेश्वर धाम आजकल हर घर में राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं बताया जाता है कि बागेश्वर धाम से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो वहीं एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां एक व्यक्ति पर बागेश्वर धाम पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत लेकर आज शिष्य मंडल थाने पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर धाम का शिष्य मंडल के सदस्य बंटी समाधिया के नेतृत्व में दर्जनों भक्तगणों और ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा कोतवाली में एक शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें बताया गया कि YouTube चैनल पर प्रशांत बौद्ध नाम का एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज और बागेश्वर धाम के लिए अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा शिष्टमंडल आंदोलन करने का वाद होगा। बंटी समाधिया बागेश्वर धाम शिष्य मंडल प्रभारी, किस संबंध को लेकर उसने ऐसे कमेंट किया है जिसे आप लोगों की छुट्टी आपको कुछ? बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के लिए कई ऐसे हैं, आप उसकी वीडियो जब उठा के देखेंगे तो वो कई वीडियो में बागेश्वर धाम के लिए अपशब्द आपत्तिजनक पोस्ट डालता है, आपत्तिजनक अपशब्द भी कहता है। कभी हम लोग भी सनातन धर्म से हैं, हमारे गुरुदेव भगवान सनातन धर्म की ध्वजा लहराने के लिए देश तो क्या विदेशों में भी सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं, और हमारे गुरुदेव भगवान ना ही कभी एक रुपये किसी से लेते हैं, ना ही कभी किसी गरीबों का हित कर रहे हैं। जब से बागेश्वर धाम सुचारू रूप से चालू हुआ है तब से आप ये देखिए, गरीबों के लिए वहाँ भोजन रहने की सुविधाएं सारा गुरुदेव भगवान निःशुल्क करते हैं, और ये इन जैसे लोग जो प्रशांत बौद्ध जैसे लोग हमारे धर्म के लिए आपत्तिजनक पोस्ट डाल के क्या जाहिर करना चाहते हैं, इनकी इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी बहुत जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जीतू से भरे, किस संबंध में आपने कुतवा था वो ज्ञापन दिया? एक व्यक्ति जो है फेसबुक पर और प्रशांत गौतम नाम का है, जो है बौद्ध, जो है सनातन के लिए, ब्राह्मण, मतलब हर समाज के लिए और मेन चीज सनातन धर्म के लिए उल्टा सीधा बोलता है। सनातन धर्म के लिए इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी सबके धर्म का सम्मान करते हैं। और अगर ये हमारा, अभी आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है SSP साहब और DIG साहब को, CO साहब को, कोतवाल साहब को दिया, अगर इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम लोग पूरा सनातन धर्म और बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल हर पूरे ज़िले के हर हर जगह पे अनशन देंगे, धरना देंगे। इस व्यक्ति को तुरंत जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो, क्योंकि अन्यथा कोई चीज़ गलत में ना जा पाए। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B-pharma, M-pharma, BSc, B-tech, M-tech and polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और ITI डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, BSc कृषि BA, BEd, BCom, BSc बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।